हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BS रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे Amazon Prime की मूवी केमिकल हार्ट्स को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यारो, रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप रोमकॉम या हाई स्कूल ड्रामा के फैन हो तो ये मूवी आप ही के लिए बनी है और आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलो मूवी पर आते हैं। तो केमिकल हार्ट्स ये मूवी 21 तारीख को Amazon Prime पे रिलीज हुई थी। और अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो इस कहानी में कुछ नया नहीं है। इस मूवी की कहानी है हेनरी और ग्रेस की। हेनरी जो कि एक नॉर्मल लड़का है जिसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो ग्रेस से मिलता है जो कि अपनी लाइफ के एक बुरे दौर से गुजर रही है। और अब इन दोनों की लाइफ में आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि इस मूवी की स्टोरी नई नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्क्रीन प्ले इतना तो अच्छे से लिखा ही गया है कि हम इस मूवी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स को लिखा गया है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, जिसके कारण हम कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस मूवी का स्क्रीन प्ले थोड़ा स्लो भी है, जिसके कारण शायद आप इस मूवी की स्टार्टिंग में थोड़ा बोर हो जाओगे। लेकिन ये मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने अपने रोल को काफी अच्छे से प्ले करा है, चाहे आप लीड्स की बात करो या फिर सपोर्टिंग कास्ट की, सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इस मूवी की स्टार तो लिली रेनहार्ट ही है जिन्होंने ग्रेस का कैरेक्टर को प्ले करा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्रेस के कैरेक्टर को प्ले करा है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ वो पूरी मूवी में काफी सुंदर भी दिखी है, जिसका पूरा क्रेडिट उनके मेकअप आर्टिस्ट को जाता है। और अगर हम इसके म्यूजिक की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि किसी भी रोमकॉम या हाई स्कूल ड्रामा मूवी में म्यूजिक काफी इम्पोर्टेंट होता है और ये म्यूजिक इस मूवी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। और यहाँ डायरेक्टर की बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि ये कहानी नई नहीं है, लेकिन डायरेक्टर ने जिस तरह से इस मूवी को डायरेक्ट किया है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इस मूवी को एक अलग टच देते हैं। और अगर हम इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप रोमकॉम या हाई स्कूल ड्रामा के फैन हो तो आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, और अगर आप रोमकॉम या हाई स्कूल ड्रामा के फैन नहीं हो तो भी आप ये मूवी देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। तो मेरी तरफ से ये मूवी रिकमेंडेड है। और अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।